दुर्गा अष्टमी पर लायंस क्लब एटा की टीम जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज पहुंची। जच्चा बच्चा को बेबी किट वितरित किए और कुपोषितों को फ्रूट जूस और फल बांटे। आपको बता दें कि खबर यूपी के एटा जिले से है, जहां लायंस क्लब एटा की महिला टीम आज एटा जनपद के जिला मुख्यालय पर स्थित मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय में पहुंची। यहां सभी सदस्य महिलाओं ने नवजात शिशुओं और उनकी माताओं को बेबी किट एवं फल जूस और कपड़े प्रदान किए। वहीं दूसरी ओर कुपोषण केंद्र में पहुंचकर कुपोषित बच्चों को भी फल जूस और कपड़े वितरित किए गए। इसी दौरान ग्रुप की सभी महिलाओं का कहना था कि आज दुर्गा अष्टमी का पर्व है, ऐसे में आज जन्म लेने वाली सभी कन्याओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद, साथ ही उनके उत्तम स्वास्थ्य की सभी महिलाओं ने कामना की। वहीं दूसरी ओर जो भी नवजात शिशु लड़के थे उनको भी शुभकामनाएं दी गईं और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। महिला टीम ने बताया कि बालक बालिका कोई भी जन्म लें, दोनों ही आवश्यक हैं। वहीं नवरात्रि के इन दिनों में जिस प्रकार से बच्चियां जन्म ले रही हैं, वह माता रानी का रूप है। जय माता दी, आज दुर्गाष्टमी है, बहुत ही अच्छा दिन है। तो हम लोगों का ये रहा क्लब का कि बच्चों को कपड़े और फल का विकट किया जाए, और हमारी लॉयंस क्लब टीम हमेशा ही सहयोग करने के लिए हमेशा आगे रहती है और हमेशा ही रहेगी। आज जिस प्रकार से नवरात्रि का अष्टमी है और कन्याओं के लिए विशेष रूप से ये कन्या भोज कल कराया जाएगा, तो इस बारे में क्या क्या संदेश आप देंगे इस माध्यम से? आज जिस प्रकार से आपके द्वारा जिला महिला अस्पताल में कुछ बच्चों को किट वगैरह फ्रूट्स वगैरह वितरित किए गए, क्या कारण है? देखिए, तो ये सप्ताह चल रहा है जो कि बहुत ही शुभ सप्ताह है, जो नौ दुर्गे कहलाते हैं और हिंदू में इसकी बड़ी मान्यता है, और हमारा जो नव वर्ष है वो भी इसी से शुरू होता है। तो इस अवसर पर हमने सोचा कि कुछ बच्चों को हम तो क्या देने वाले हैं, भगवान है तब देने वाला, लेकिन सोचा कि अपने कुछ बच्चों को दे दिया जाए, जो भी हमारे हाथ से कुछ हो जाए वो दे दिया जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो भगवान का स्वरूप माने जाते हैं, और ये बच्चे तो बिल्कुल ही अभी एक ही या दो दिन के हैं, जो बिल्कुल ही पवित्र हैं, भले इनके अंदर किसी प्रकार का झूठ द्वेष नहीं है। तो हम सोचते हैं कि हम भी ऐसे बच्चे जैसे हमारा दिल बने और बच्चों से हम ऐसा आशीर्वाद पाए, इसलिए हमने ये थोड़ा छोटा सा कार्यक्रम रखा। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।